सारे इमेजेस और वीडियोस का डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, कोविड-19, जिसे हम ग्लोबल पैनडेमिक या वैश्विक महामारी भी कहते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने अपने पिछले डिस्क्रिप्शन वीडियोस में ये मेंशन किया था और कुछ लोगों के मुझे स्पेशली मैसेजेस आए और कमेंट्स भी आए कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, माय सेल्फ मानसी सिंह फ्रॉम मानसी फ्री क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। COVID-19, the global pandemic disease, it's became an alarming situation and challenging situation for all of us. अगर हम इसके बारे में बात करें तो इट बिकेम अ डिजास्टर फॉर आवर नेशन एज वेल एज फॉर होल वर्ल्ड। ठीक है, तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे सिर्फ हमारी ही कंट्री नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड डील कर रहा है। और अगर हम इसके इफेक्ट देखें तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कंट्रीज की इकोनॉमी पे। इवन बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी का GDP पूरी तरीके से गिर चुकी है और इससे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं कंट्रीज के वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि पुअर पीपल्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एक्सेट्रा। तो गाइस, ऐसे टफ और क्राइसिस के टाइम पे भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट पॉसिबल विद फाइनेंशियल फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचा रही है, इवन पहुंचा भी चुकी है। बट अभी भी कुछ पीपल्स, कुछ पुअर फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हमारे मदद की जरूरत है। तो जो जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं या जो जो भी मेरी ये वीडियोस देखेंगे, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों की मदद करिए, पुअर फैमिलीज की मदद करिए, फाइनेंशियली या कैसे भी, बट उनकी मदद करिए। ठीक है, बिकॉज मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि लोग ऐसे सिचुएशन पे पैनिक कर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर जा रहे हैं। आपकी फैमिली में या सोसाइटी में अगर मान लीजिए किसी को खांसी या छींक या हल्का सा फीवर भी होता है तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है ये COVID-19 के सिम्टम है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये हो रहा है कुछ इस तरह से। तो हमें ऐसे पैनिक नहीं करना है जस्ट बिकॉज अगर आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में मान लीजिए किसी को ये हो भी जाता है तो आप वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करिए इमरजेंसी नंबर के थ्रू, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू, और अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाइए। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 4 खत्म हो चुका है और अनलॉक 1 लग चुका है। मैंने देखा है कि लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब लॉकडाउन जो खुला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये खुश होने वाली सिचुएशन नहीं है। गवर्नमेंट को अनलॉक करना गवर्नमेंट की मजबूरी है और COVID-19 के केसेस रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अनलॉक इस वजह से किया क्योंकि गवर्नमेंट को इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है, ठीक है, बट ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम गवर्नमेंट से जो भी गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। वी हैव टू बिकम अ सेल्फ प्रोटेक्टिव बिकॉज वी हैव टू सेव आवर सेल्फ, आवर फैमिली, आवर सोसाइटी, आवर नेशन विद COVID-19। सो गाइस, मेरी ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि जो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या मैं आप लोगों को अवेयर करा पाऊं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, ठीक है, गरीबों की मदद करिए जिनको इनकी ज्यादा जरूरत है। आप अगर आप एलिजिबल हैं मदद करने के तो प्लीज आप उनकी मदद करिए, बिकॉज इफ वी आर ऑल टूगेदर एज अ कम्युनिटी वी विल इजिली फाइट विद दिस पैनडेमिक सिचुएशन। COVID-19 की जब भी बात करें तो हमें कोविड वॉरियर को, हमारे रियल हीरोज जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस और रोड साइड वर्कर को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग अ रियली रिकमेंडेबल जॉब इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। तो एक वीडियो क्लिप जो कि ट्रिब्यूट है कोविड वॉरियर के लिए। We were made to be courageous. We were made to lead the way. We could be the generation. Finally breaks the chains. We were made to be courageous. We were made to be courageous. And ha,
अगर आपको किसी भी करंट टॉपिक पे या सोशल रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए या कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। थैंक यू सो मच।